मेक्सिको के टुरंगो में मंगलवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 97 यात्री समेत 4 क्रू मेंबर सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, जबकि विमान में सवार 85 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 घायल यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा विमान के उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही हो गया था। ये उड़ान एयरो मेक्सिको की फ्लाइट संख्या AM2431 की थी, जो डुरंगो ग्वाला लूपे विक्टोरिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मेक्सिको सिटी जा रही थी। एयरपोर्ट ऑपरेटर की माने तो यह हादसा खराब मौसम के चलते हुआ है। बहरहाल हादसे के शिकार हुए लोगों का इलाज चल रहा है और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।